किसान साथियों राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हो और स्वस्थ हो। भाई हम इस समय कृष्णा देवी कोल्ड स्टोरेज पपियापुर रोड सेंट्रल जेल चौराहा फरुखाबाद। आज दिन है भाई बुधवार और तारीख हो चुकी है 7 सितंबर 2022। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाई देखते हैं आज यहाँ पे क्या रेट बिक रहा है आलू। फिलहाल कुछ आलू में तेज़ी मुझे दिखाई दे रही है। आज मैंने कल एक अपडेट डाला था केडी कोल्ड स्टोरेज का, तो आप लोग उस अपडेट को भी अधिक से अधिक देखें कहाँ पर बिके आलू वहाँ पर। तो आइए चलते हैं, लेते हैं अपडेट यहाँ के कोल्ड का। ये देखो भाई किसान साथियों, आज काफ़ी सारी ज़्यादा लाटे आज निकली थी और काफ़ी ज़्यादा आलू आज बिका है ये कृष्णा देवी कोल्ड स्टोर में। हाँ भैया बताइए कहाँ से कहाँ तक बिक रहा है? ये जाली में 655 रुपये बिका है। 655। देखो भाई ये जाली में था, ख्याति आलू है ये, डग्गा साइज ज़्यादा लगा है इसके अंदर। 655 रुपये प्रति पैकेट कोल्ड भाड़ा और बिका 671 रुपये। ये 671। देख सकते हैं अब ये चित्ती पड़ी हुई है इसके अंदर, ये 671 रुपए में बिका है भाई। तो आज तेजी दिख रही है भैया, थोड़ा करंट दिखा हुआ है, करंट दिखा हुआ। कल 61 तक बिके थे आलू, कल भी आज ये वाला बिका 75 रुपए। ये तीन लाटे हैं, ये तीन। एक देखो भाई, ये देखो भाई, ये भी देखो ख्याति है, और एक ये लाट है की जो भी ख्याति है, ये भी ख्याति आलू है, और एक ये लाट है की भाई ख्याति है। ये भी है भाई, देखो 675 रुपये प्रति पैकेट। नहीं भाई भैया सुपर वाले बिके, सुपर वाले आज बिके खाली। ये बढ़िया नंबर वन क्वालिटी है, शायद अच्छा है इसका, और इसके अंदर चेचे वगैरह की कोई शिकायत नहीं है भाई। 675 रुपये प्रति पैकेट आज फिर कोल्ड भाड़ा भाई, गाड़ी बिकी खाली। एक एक किसान गए पूरी पूरी नहीं बिकी, देखो 61 रुपया 71 रुपया। देखो भाई बता रहे हैं फोन पे कुछ बता रहे हैं, 61 रुपये 75 रुपये तक बिकाया आलू आज। सबसे बढ़िया 75 रुपये, सबसे बढ़िया 75 रुपये। और ये क्या रेट बिका ये वाला? ये बिका 31 रुपये। ये 631 बिकाया भाई, देखो इसके अंदर चित्ती है, मीडियम साइज है, यहाँ है चित्ती। और ये भी 31 रुपये, ये भी देखो मीडियम है। इसके अंदर देखो भाई दिक्कत एक है कि चढ़ाएगी। ये देखो भाई क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, पूरी क्वालिटी दिखाएंगे हम आपको। इसके अंदर खर्चा वगैरह व्यापारी भाइयों को काफ़ी लग जाता है। ये क्या रेट बिका ये वाला? ये 655। ये देखो भाई इसके अंदर डग्गा साइज है, 655 रुपये ख्याति आलू, जाली में है। और ये जाली के अंदर है, जाली में 20 रुपये कम हो जाते हैं, 20 रुपये कम रहता है, 20 रुपये कम रहता है। आज का कितनी बिक्री हो गई? आज आज हो गया करीब 2000 रुपये, 2000 पैकेट। और कल कितनी हुई थी? कल मंगलवार को कल गाड़ी बेची थी, एक गाड़ी बेची थी। कल क्या रेट बिक गया था यहाँ पे? कल बेचा था 55 रुपये तक, कल 55 रुपये तक बिका था, और आज बिका 75 रुपये तक। 20 रुपये करंट है, 20 रुपये का करंट है, करंट है। तो दिवाली आज अच्छी रही? हाँ दिवाली तो ठीक रही। हाँ किसान अब मन बना रहा है बेचने का? बिल्कुल बेचने का मन बनाने लगा। हाँ अभी बीजा वगैरह तो निकटा है? अभी बीजा नहीं बिकाया यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देख। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आलू 675 रुपये तक का बिका है, और ये एक लाट इधर है कि 611 रुपये भाई। ये देखो भाई चिट्टी काफ़ी है इसके अंदर, ये 611 रुपये में बिके हैं ऐसे आलू भाई। और इस कोल्ड में कटाई काफ़ी अच्छी चल रही है, पूरा कोल्ड जो है भरा हुआ है कटाई से, देख सकते हो आप पूरा कोल्ड इधर। ये अपडेट है आज बुधवार वाले दिन का, समय हो चुका है करीब 3:30। किसान जाती है इधर भी आलू आज कटा हुआ है, ये सिलचर लोडिंग के लिए है भाई। आलू की क्वालिटी देख सकते हो आप, तो आलू की कटाई काफ़ी चल रही है इस कोल्ड में, अच्छी कटाई है कि कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। अब वापस आलू अपनी जगह पे शायद एक हफ्ते के अंदर आ जाए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भाई।
अभी तक तो आलू वही 631-641 तक बिक रहे थे, लेकिन अब जो है आलू जो कुछ सुधार आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 दिन के अंदर काफ़ी और सुधार हो सकता है भाई। असद मच्छर लोशन, अब एक पीस की खरीद पर पाएं 2 हेयर शैम्पू 1 रुपए वाले बिल्कुल फ्री। कितना जाते हो, यहाँ पे आलू कट रहा है भाई। कृष्णा देवी कोल्ड स्टोरेज, पपियापुर रोड, सेंट्रल जेल चौराहा, फर्रुखाबाद। क्या जी कटाई उटाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही। बढ़िया, कुछ तेजी आई कटाई में? हाँ खूब सही आते। अच्छा, माल लेकर रहा हो? हाँ, तकादक निकल रहा है माल। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो भाई आलू काफ़ी अच्छी मात्रा में कट रहा है। अब कुछ तेज़ी आ रही है आलू में, तो आलू भी कटाई शुरू हो चुकी है अच्छी। असद मच्छर लोशन, अब एक पीस की खरीद पर पाएं 2 हेयर शैम्पू 1 रुपए वाले बिल्कुल फ्री। किसान साथियों, हम इस समय आ चुके हैं एमडी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। आइए चलते हैं इस कोल्ड के अंदर, पपियापुर रोड, सेंट्रल जेल चौराहा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। किसान साथियों, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल। मैं हूँ समय, एमडी कोल्ड स्टोरेज, पपियापुर रोड, सेंट्रल जेल चौराहा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। आज दिन है भाई बुधवार, और तारीख हो चुकी है आज 7 सितंबर 2022। चैनल पर न है तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कल मैंने एक अपडेट डाला था केटी कोल्ड स्टोरेज का, तो कल का भी अपडेट आप लोग अधिक से अधिक देखें। अपने किसान भाइयों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कहने किसान भाइयों में सब्सक्राइब करने को बोलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर करें। तो आइए जानते हैं आज एमडी कोल्ड स्टोर में क्या चल रहा है आलू का भाव, और क्या है रेट बीजे का। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल आज का ऑफर। ये देखो भाई किसान साथियों, एक ट्राली लगी हुई है एमडी कोल्ड स्टोरेज में, और इसके अंदर है बीजा भाई इन कट्टों में। ये देख सकते हो आप, ये बीजा है ख्याति का भाई। तो ये यहाँ से सीधी डायरेक्ट, ये तो गीला है, गीला आया है। आइए मिलते किसान से। शुभ नाम बता देना चाचा। जगदीश। जगदीश जी इधर देख लो, इधर देख लो, इधर। हाँ जगदीश जी, कहाँ से आए आप? दौलतियापुर। दौलतियापुर, दौलतियापुर। ये किधर पड़ता है, तहसील कौन सी लगती है? तहसील सवाजपुर। सवाजपुर यानी पाली की तरफ? पाली तरफ। अच्छा अच्छा, कितना पैकेट लिए आज? 102 पैकेट। कौन सा बीज है? ख्याति का। अच्छा, जो गीला ही ले लिया क्या? गीला, सुखाया नहीं? नहीं। तो ये क्या वहाँ के कोल्ड में डालोगे क्या? नहीं, कैसे नहीं, क्या गड़ाएंगे इस समय? गड़ाओगे? गड़ाएंगे। अच्छा, तो क्या गड़ाई वगैरह चालू हो गई उधर? क्या गड़ाई चालू? कितने परसेंट हो गई होगी? आज शुरुआत भरी है ट्राली। अच्छा अच्छा, आपके तरफ के किसान और भी ले गए क्या इस समय? बीजा ले जा चुके हैं? अब ले गए नहीं, ले जाएंगे। अच्छा, ले जाएंगे, मतलब शुरुआत आपने करी है? शुरुआत करी है पहले। अच्छा, तो क्या भाव मिला ये बीजा इस कोल्ड में? 650 रुपये प्रति पैकेट जी। अच्छा, और कितना खर्चा वगैरह आ गया इस पे? और खर्चा लगभग 2000 का है एक बीघे में। अच्छा, नहीं ये आलू जो खरीदा है आपने, इस पे कुछ खर्चा आया इस पे कोल्ड से? ना ना, कोल्ड नहीं कर पड़ी, कुछ पल्लेदारी पड़ी है ना। पल्लेदारी पड़ी जाएगी आपकी। अच्छा, तो ख्याति का बीज आपने खरीदा है, तो गड़ाई कब से चालू होगी? 2-4 दिन बाद से? 8 दिन बाद से। आप कौन है भैया, कहाँ से? अच्छा अच्छा, आप भी इसी ट्राली से हैं। अच्छा, शुभ नाम बता देना अपना। हमारा नाम मुलायम यादव। मुलायम यादव जी हैं। तो गड़ाई एक हफ्ते बाद चालू होगी? एक हफ्ते बाद चालू हो जाएगी। अच्छा, पिछले साल आलू कैसा निकला था? पिछले साल कम से 30 पैकेट का बीघा निकला था कच्चा। कच्चे पे 30 पैकेट बीघा का? अच्छा अच्छा, बारिश वगैरह हो गई थी, खेल बिगड़ गया था पिछले साल। हाँ हाँ,
लास्ट टाइम पे बारिश है तो बढ़िया निकला था। अच्छा अच्छा, और पक्की सीजन में क्या निकला था, क्या रेट किस हिसाब से? 50 पैकेट बीघेगा। तो ये ख्याति आलू लिया है आपने, बीजा? जंग वगैरह तो नहीं इसमें? नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, बनी को वीडियो था? पिछले साल भी यही रहता था किया था या कोई और आलू किया था पिछले साल? नहीं नहीं, ये ख्याति करो था पिछले साल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पाली में कितने गोल्ड है इस समय? आप कुछ गोल्ड नहीं है? कोई गोल्ड नहीं है। अल्लाहगंज में है? तो क्या कुछ भाव बिक रहा है उधर अल्लाहगंज में, मालूम है? अल्लाहगंज में 600 रुपए चल रहा, 500 रुपए चल रहा, 400 रुपए जैसा आलू था भाव। अच्छा, कोई भाड़ा हटा गए? हाँ, भाड़ा हटा गए, भाड़ा हटा गएगा। अच्छा अच्छा, देखो भाई, इन्होंने अपने आलू का अपडेट दिया। ये भाई हैं किसान भाई हमारे पाली तरफ से, यानी कि हरदोई ज़िला पड़ता हैगा, थाना पाली बता रहे हैं भैया। अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें भाई, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कानपुर की चकरपुर मंडी की। तो कानपुर की मंडी में आज गाड़ी की आमदनी रही है करीब करीब 40 गाड़ी और आलू बिका 550 रुपये से लेकर 665 रुपये प्रति मन तक, और गुल्ला आलू बिका 450 रुपये से लेकर 535 रुपये प्रति मन। यहाँ पे मन के हिसाब से आलू बिकता है कानपुर की चकरपुर मंडी में। और करी का भाव रहा है 250 रुपये से लेकर 290 रुपये प्रति मन तक। अब बात करते हैं बेंगलौर की। तो बेंगलौर में यूपी से गाड़ी पहुंची है करीब करीब 40, और भाव जो चल रहा है 900 रुपये से लेके 1100 रुपये प्रति पैकेट तक, 900 रुपये से लेके 1100 रुपये प्रति पैकेट तक। और इंदौर से आज 4 गाड़ी आएंगी बेंगलौर की मंडी में, और इंदौर का आलू चल रहा है 1100 रुपये से लेके 1400 रुपये प्रति पैकेट तक। बात करते हैं हसन की। तो हसन से करीब 24,000 पैकेट आवक रहेगी बेंगलौर मंडी में, और भाव जो चल रहा है वो चल रहा है 600 रुपये से लेके 1120 रुपये प्रति पैकेट तक। अब बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में यूपी से 18 गाड़ी की आमदनी है, और आलू बिक रहा है 24 रुपये से लेके 26 रुपये तक। और हसन से पहुंची हैं 13 गाड़ी, और भाव चल रहा है 20 रुपये से 28 रुपये प्रति केजी तक। बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर में आलू बिक रहा है 13 रुपये से लेके 17 रुपये प्रति केजी तक। अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं भाई। असद मच्छर लोशन, अब एक पीस की खरीद पर पाएं 2 हेयर शैम्पू 1 रुपए वाले बिल्कुल फ्री।